एमपी सरकार के चार मंत्रियों को ट्विटर में अपनी डीपी बदलना काफी भारी पड़ गया, जिसके बाद सीएम शिवराज के चार मंत्रियों के एक साथ ब्लू टिक छीन लिए गए। लाडली बहना योजना की डीपी लगाए जाने के बाद चार मंत्रियों के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक को ट्विटर ने हटा दिया, लिहाजा अब उन्हें दोबारा ब्लू टिक पाने के लिए फिर से वेरिफिकेशन कराना होगा। गौरतलब है कि वेरीफाइड अकाउंट में डीपी बदले जाने पर ब्लू टिक गायब हो जाता है। बता दें, सीएम शिवराज ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में लाडली लक्ष्मी और सीएम कन्या विवाह के बाद ये तीसरी अहम योजना शुरू की, जिसका नाम मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है। इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए एमपी सरकार के मंत्रियों ने अपने ट्विटर डीपी में लाडली बहना योजना की तस्वीर लगाई। आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक रिमूव हो गया, जिसमें राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हैं। नरोत्तम मिश्रा के अलावा चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया समेत सीएम शिवराज के ऑफिस के ट्विटर अकाउंट पर अपनी डीपी की जगह लाडली बहन योजना के प्रमोशन वाली डीपी लगाई गई, जिसके बाद एक साथ सभी अकाउंट से ब्लू टिक गायब हो गया। किसी भी ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक होने का मतलब उस अकाउंट का ट्विटर वेरीफाइड होना होता है। ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट आम अकाउंट से ज्यादा अहम और खास माना जाता है, लेकिन डीपी बदलने के बाद एमपी सरकार के सभी मंत्री ट्विटर के उस नियम के दायरे में आ गए, जिसके तहत अगर ब्लू टिक अकाउंट होल्डर अपनी डीपी को बदलता है तो उसका ब्लू टिक टेम्पररी हटा दिया जाएगा। वहीं ब्लू टिक हटने के बाद इन मंत्रियों को दोबारा वेरीफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। ट्विटर के इस नियम के पीछे मंशा है कि ऐसा करने से उन लोगों पर लगाम लगाई जा सकेगी जो किसी भी विशेष कैंपेन या विरोध में प्रोफाइल फोटो और नाम बदल लेते हैं। फिलहाल एक साथ शिवराज के चार मंत्रियों का ब्लू टिक हटना चर्चाओं का विषय है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।